नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बरसों की तैयारी तो आप कर लेते हैं, पर परसों की तैयारी करके रखी है? मतलब आपके एकदम बिल्कुल नजदीक आने वाले जो लक्ष्य हैं उनको लेकर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है, ये आपने क्या अपने आप से पूछा है? 20 साल के बाद का तो आपने समझ लिया कि हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, बच्चों की शादी और पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाना है, लेकिन क्या ये समझा आपने कि आज से 2 साल के बाद जो आपके खर्चे आएंगे उनको कैसे पूरा करना है? तो आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है, आपके जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लक्ष्य होते हैं उनको आपको कैसे करना है परफेक्ट, और कौन से ऐसे विकल्प है जिसमें आप निवेश करके अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को भी अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान है, परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी है हमारे साथ, CEO वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए कैसे करें निवेश, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड कहां है ज्यादा फायदा, साथ ही ये भी जानेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए हाइब्रिड फंड कैसा विकल्प। तो जब हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य कितने दूर तक के लक्ष्य होते हैं, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए हेमंत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं तो इन शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को आइडेंटिफाई कैसे करें? हम आपसे एक एक करके समझना चाहते हैं कि ये छोटी अवधि के लक्ष्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट होते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक स्वाति, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की बात करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम अपने सारे गोल्स को डिफाइन करते हैं। मतलब जो भी गोल हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो या 6 महीने के बाद हो, तो जब सारे गोल्स हम डिफाइन करते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा गोल शॉर्ट टर्म, कौन सा मीडियम, कौन सा लॉन्ग टर्म। वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि उनको पूरा करने के लिए हमें कितना समय है। जैसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, 15, 20, 25 साल हो सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए कि हमारे पास 5-10 से ज्यादा समय हो सकता है, उतना साल समय हो सकता है। शॉर्ट टर्म के गोल जो है, मतलब जो बहुत ही नजदीकी हो, वो चाहे 3 महीने भी हो सकते हैं स्वाति, वो 6 महीने भी हो सकता है, तो 2 साल भी हो सकता है। तो जनरली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि आपका जो टाइम होराइजन है, जहाँ पे 3 साल, उससे कम समय में जो भी गोल्स आपको पूरे करने हैं वो आप कह सकते हैं कि वो आपके शॉर्ट टर्म गोल हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शॉर्ट टर्म गोल जो है उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी बार हमारी उनको कैसे टैकल करना है उसकी तैयारी नहीं होती। बिल्कुल, तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते ही हैं क्योंकि वो दूर आपके गोल्स हैं, तो आपको बहुत जल्दी उसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चक्कर में कई बार जो बिल्कुल नज़दीक आने वाले कुछ लक्ष्य होते हैं इनको आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और ज़रूरी क्यों होते हैं ये भी काफ़ी हद तक हेमंत जी ने हमें समझा दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो हमने एक ज़रूरत समझी है हेमंत जी, शॉर्ट टर्म जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, वो ये सबको मालूम है, कोविड के टाइम पर सबको मालूम चल गया कि लंबा तो आपको सोचना चाहिए लेकिन कल क्या होने वाला है उसको लेकर भी आपको तैयार ज़रूर रहना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात सामने आई कि इमरजेंसी के लिए कई लोग तैयार नहीं थे। इमरजेंसी माने जब कोविड आया उसके बाद लॉकडाउन जब हुआ, कई लोगों की जो काम थे वो रुक गए या तो कई लोगों की नौकरियां चली गई, तो फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी लोगों की उथल पुथल हो गई। तो इमरजेंसी फंड की ज़रूरत जब हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग में इसको डालकर देखते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इमरजेंसी फंड तो ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक तो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे हमने पहले बात की, थोड़ा सा उसको थोड़ा और चाहूंगा मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं कि जैसे हमने बात की कि जब लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं तो हमारे पास समय होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए आज, तो आगे जाके हम उसको बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्योंकि समय बहुत कम होता है तो उसके लिए हमें शुरुआत से ही तैयारी करनी होती है। तो और दूसरी बात क्या होता है कि जब कभी कभी हमने देखा काफी बार निवेशक जो है वो एक शॉर्ट टर्म गोल का एक पूल बना देते हैं कि चलिए उसमें हमारा इमरजेंसी फंड भी आ गया, उसके बाद 6 महीने के बाद जो जरूरत है वो भी आ गया, 2 साल के बाद वो भी जरूरत आ गया। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने इस पर्पज के लिए कितना पैसा रखा है, दूसरा शॉर्ट टर्म में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास 1-2-3 साल का समय है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको
सही तरीके से इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न बना सकें। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको गंवा देते हैं। तो ये एक और एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। अब आते हैं हम इमरजेंसी फंड के लिए। जैसा आपने कहा, इमरजेंसी फंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, इमरजेंसी फंड को दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक तो ये कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो आज भी आ सकती है, वो 10 साल के बाद भी आ सकती है, वो 15 साल के बाद भी आ सकती है। तो हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में आ सकती है, लेकिन अगर मैं उसको गोल देखूँ तो ये परपेचुअल गोल है, परमानेंट गोल है। क्योंकि मेरा जो इमरजेंसी फंड है वो हमेशा पूरी लाइफ टाइम में बने रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाली ये देखना कि अगले 1 साल 2 साल के लिए मैंने एक इमरजेंसी फंड बना लिया तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। एक परपेचुअल गोल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इसलिए हम उसको मानते हैं क्योंकि इसकी जरूरत जो है वो कभी भी आ सकती है। अब जहां तक रिस्क मैनेजमेंट जो जो हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड की, वो एक यू नो एक हमारा एक जो रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं, उससे पहले सबसे पहले हमें देखना है कि क्या रिस्क है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ में आ सकते हैं। वो क्या रिस्क है? एक तो ये कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, क्या कुछ लाइफ को कुछ थ्रेट हो जाए, तो इंश्योरेंस भी एक रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ये जो इमरजेंसी फंड है वो रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसीलिए उसको सबसे पहले देखना है। अब सवाल ये है कि उसको हम बनाएं कैसे। देखिए, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो उससे पहले आपको ये एक इमरजेंसी फंड बना लेना है, ताकि कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बिना टच किए, किसी भी और चीज को डिस्टर्ब किए, इस पैसे को आप इस्तेमाल करो। तो उस हिसाब से ये समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का, आपके फाइनेंशियल लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल, आपने अब एक बहुत ही इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा है, वो ये है कि इमरजेंसी फंड जरूरी तो हमने समझ लिया है क्यों है, लेकिन बनाना कैसे है। अब इमरजेंसी फंड की जरूरत हमें किस फॉर्म में पड़ती है? हमें रेडीली कैश चाहिए होता है, जल्दी से कोई ऐसी जगह पर पैसे रख दिए जाएं जहां से तुरंत हमें पैसे मिल जाएं। अब इसमें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग यही मानेंगे, या तो घर पे रखा कैश, या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखा आपका पैसा, या फिर अगर आपको पैसे रखने ही हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, छोटे टर्म का फिक्स डिपॉजिट जल्दी से तोड़ दिया और यहाँ पर हमने इमरजेंसी के लिए पैसे निकाल लिए। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, इमरजेंसी के लिए अगर मानिए किसी को निवेश करना है तो सबसे ज्यादा पॉपुलरली लोग यही समझना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर डेट फंड, दोनों में कंपेरिजन अगर हम रिस्क के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से और टैक्सेशन के हिसाब से करें तो कौन कहाँ पर बैठता है? देखिए, दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो लिक्विड है, मतलब जब आपको पैसा चाहिए तो मिलेगी, लेकिन दोनों के ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हैं इन्वेस्ट करने के। तो इससे पहले कि हम देखें कि हम फिक्स डिपॉजिट दें या म्यूचुअल फंड की जो ऑप्शन है उसको देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा क्वांटम कितना होना चाहिए, मेरा जो इमरजेंसी फंड है वो हो कितना, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी। एक तो ये कि हम उसको बनाएं कैसे, दूसरा ये कि मैं कितना बनाऊं। तो जनरली स्पीकिंग अगर एक रूल ऑफ थंब हम लेके चले तो ये कहूंगा कि हमारे जो 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके बराबर कम से कम हमारा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है स्वाति, कि ये नहीं है कि हमारे जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको लेना है। अगर हमारी ईएमआई पे हो रही है या और हमारी कमिटमेंट है हम जो पे कर रहे हैं, उन सभी को इंक्लूड करके आपको अपनी रिक्वायरमेंट को मेजर करना है। ऐसा नहीं कि खाली आपने देखा कि मेरे यू नो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को हमने देख लिया, ओवरऑल देखना है 6 महीने के बराबर कम से कम आपका जो है एक इमरजेंसी फंड बनना चाहिए। अब सवाल यह है कि लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी मुझे, अगर लिक्विडिटी चाहिए और साथ में ऐसी कोई ऑप्शन है कि जहाँ मुझे बेहतर रिटर्न मिल सके, वो देखने की जरूरत है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो बैंक डिपॉजिट है, लिक्विड है, आपको पता है गारंटेड रिटर्न कितना मिलना है, बट हम ये भी जानते हैं कि अगर जब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। तो उसके अलावा सामने क्या ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स में आपके इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ओवरनाइट फंड भी हो सकते हैं। वो तो ऑफकोर्स वो एक दिन की मेच्योरिटी के पेपर में पैसा डालते हैं, वो बहुत ही कम रिटर्न मिलता है उसमें। लेकिन उसके आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास लिक्विड फंड है, हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं और हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है। अभी लिक्विड फंड वो है जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में होती है और उनकी मेच्योरिटी जो है 91 डेज होती है। और अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 से 6 महीना और लो ड्यूरेशन की 6 से 12 महीना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए समझने की जरूरत है कि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना रिटर्न बेटर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी वॉलिटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप ऐसी ऑप्शन को देख रहे हैं जो बैंक डिपॉजिट से आपको बेहतर रिटर्न दे, इनमें से कोई ऑप्शन को देख लीजिए, पर ज्यादा फोकस आपका लिक्विड पे होना चाहिए। हाँ, आज के समय अगर मैं देखूं बाकी तो लिक्विड फंड में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसे फेजेस आएंगे, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड फंड आपको बेहतर रिटर्न देंगे। ज्यादा टैक्स एफिशिएंट नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म है, तो वो भी जो भी गेन होगा वो आपकी इनकम में ऐड होगा और बैंक में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा आपकी इनकम में ऐड होगा। लेकिन हाँ,
सा पोटेंशियल है कि आपको रिटर्न बेहतर मिल सके। बिल्कुल, अगर हम पूरे टेन्योर की बात करें जिसकी चर्चा हेमंत जी भी अभी कर रहे हैं, हम डेट कैटेगरी के ही जो बिल्कुल ही छोटी अवधि के ड्यूरेशन के फंड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ओवरनाइट फंड की बात की, एक दिन का इनका ड्यूरेशन होता है, एक दिन की अवधि होती है, इतने मतलब इतने कम ड्यूरेशन के फंड भी होते हैं डेट फंड में, ये समझने की ज़रूरत है, इतनी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी। फिर लिक्विड डेट लिक्विड फंड हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जैसा बताया है हेमंत जी ने, लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड यहाँ पर हमारे पास है जिसके अलग अलग जो टाइम पीरियड है वो आप देख पा रहे हैं। लिक्विड फंड में आपने बोला कि रिटर्न वाइज उतना इम्प्रेसिव हम एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे हैं आसपास में, लेकिन अगर लिक्विड फंड को अगर हम सेविंग अकाउंट से, हालांकि बहुत जायज़ नहीं होगा लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना होता है कि हमारे बैंक में रखा हुआ, मतलब हमारे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा हमारे कंट्रोल में पैसा है, हालांकि उस पर ज़्यादा ब्याज मिलता नहीं है लेकिन कम से कम जोखिम से तो दूर है, लेकिन लिक्विड फंड बनाम अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से भी इसको कंपेयर करें तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो लिक्विड फंड ने बेटर रिटर्न दिया है। कुछ फेजेस ऐसे आते हैं, मैंने कहा था कि आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि रिटर्न थोड़े ऊपर नीचे या थोड़े कम हो सकते हैं, जैसा कि हम फिलहाल देख रहे हैं कि लिक्विड फंड के रिटर्न थोड़े सब्ड्यूड है, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमने देखा है कि लिक्विड फंड के रिटर्न जो है सेविंग बैंक से कंपेयर करें या बहुत ही शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो है उससे भी कंपेयर करें तो आपको रिटर्न बेहतर मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना इमरजेंसी फंड का पैसा लगाते हैं और आपका मान लीजिए एक्सपेंसेस ज्यादा है और आप थोड़ा कॉर्पस बड़ा बनता है तो आपके पास उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, कुछ जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग पूरा का पूरा पैसा तो आपको एक महीने में लगेगा नहीं, तो अगर आपने 6 महीने या 9 महीने के बराबर का आपने अगर एक कॉर्पस बनाया हुआ है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करता है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा जनरली आपको एक समय लगेगा, तो कुछ हिस्सा जो है आप दो तरीके के फंड में बांट सकते हैं, लिक्विड फंड में और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, ताकि आपको रिटर्न जो है थोड़ा सा बेहतर मिले और बहुत ज्यादा रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं ले। बिल्कुल, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपका जो फोकस है या जो आपका प्राइम गोल है वो यहाँ पर क्या है आपके इन्वेस्टमेंट का। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कितना शॉर्ट टर्म आपका जो निवेश है जो गोल है वो दूर है और किस तरीके के जो प्रोडक्ट है उसमें आपको बेहतर जो रिटर्न है वो डेफिनेटली मिलेगा। लिक्विड फंड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम तो बता ही रहे लोगों के लिक्विड फंड होते, थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं आपसे समझना चाहती हूँ लिक्विड फंड कैटेगरी जो होती है वो निवेश करते कहाँ पर है, इतनी लिक्विडिटी जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो निवेश करते कहाँ पर है और कुछ फंड जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा जो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए साथी, डेट फंड की जो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हो या लिक्विड फंड हो या लॉन्ग ड्यूरेशन हो, उनकी जो ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है डेट इंस्ट्रूमेंट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब क्योंकि हम बहुत ही छोटे समय की बात कर रहे हैं तो अगर हम लिक्विड फंड की बात करें स्पेसिफिकली तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होती है। अब ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आता है? देखिए, डिफ्रेंसिएशन आता है कि आपकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन कितनी, आप जिन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें उनकी मेच्योरिटी की ड्यूरेशन कितनी है। तो लिक्विड फंड में जैसा मैंने कहा उसकी जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है वो 91 डेज की होती है। अब ये समझना जरूरी है कि 91 डेज इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी छोटी मेच्योरिटी ड्यूरेशन होगी उतनी वॉलेटिलिटी उसमें कम होगी, जितनी लंबी ड्यूरेशन होगी, इस वजह से मैंने पहले कहा कि अगर आप 3 से 6 महीने देखें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 6 से 12 महीने में आपको लो ड्यूरेशन है और उसके आगे फिर आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड में दिखते हैं। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट के जो इम्पैक्ट है वो आएंगे। हालांकि ओवरऑल ब्रॉडली ये जो कैटेगरी के जो फंड है, जो शॉर्ट टर्म के फंड है, इनमें लॉन्ग टर्म के मुकाबले में काफी कम इम्पैक्ट आता है, लेकिन साथ ही उसका असर जो है आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके ऊपर भी होता है। तो लिक्विड फंड जैसा मैंने कहा ये 3 कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो रिटर्न थोड़े कम होंगे लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसके ज्यादा अगर आप ऊपर जाएंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन में तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन रिटर्न भी बेटर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका कॉर्पस जो है इमरजेंसी फंड का थोड़ा बड़ा है, 6 या 9 महीने का अगर आप बनाते हैं तो दोनों के कैटेगरी में अगर आप डिवाइड कर लें तो आपको रिटर्न एक बेहतर मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड को देखेंगे एक ही कारण से देखेंगे, एक तो लिक्विडिटी में आपको कंप्रोमाइज ना हो, दूसरा थोड़ा सा बेटर रिटर्न जो आपको बैंक सेविंग बैंक से या शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट से मिलता है, ये जो ऑप्शंस हैं ये एब्सोल्युटली सर डिफरेंशिएशन समझने की जरूरत है वो है मैच्योरिटी ड्यूरेशन।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद, क्योंकि लिक्विड फंड की बात ही हो रही है, कुछ फंड्स भी हम समझेंगे हेमंत जी से, उसके अलावा जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड्स हैं, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के भी कुछ सजेशंस हम लेंगे हेमंत जी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, 1 से 2 साल दूर आपका लक्ष्य है, या अगर आप अपने बिल्कुल लक्ष्य के करीब हैं, तो आपको डेट में किस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए, हाइब्रिड कैटेगरी की भी हम बात करेंगे। तमाम चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहे हमारे गुरु। छोटी अवधि के निवेश के विकल्पों की हम बात करें, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, जितने भी अब तक हमने विकल्पों की बात करी है जो शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए अच्छे माने जाते हैं, उसमें अब हर किसी में से कुछ फंड रेकमेंडेशन मैं आपसे समझना चाहती हूँ। लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन फंड्स, कौन से फंड आप सजेस्ट करेंगे? आज मैं कुछ सॉरी देखिए, ये जितने भी कैटेगरी के जो फंड्स हैं, अगर ज्यादातर आप इनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, तो डिफरेंट फंड्स में मोर और लेस जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी स्ट्रेटेजी एक जैसी रहती है, और बहुत ज्यादा फर्क रिटर्न में नहीं मिलता। क्योंकि फिर भी अगर हमें, अगर मान लीजिए कुछ फंड चुनने हैं इस कैटेगरी में जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम शुरुआत करते हैं मान लीजिए लिक्विड फंड से, आदित्य बिड़ला सनलाइफ का जो लिक्विड फंड है वो एक एक काफी अच्छा रहा, और निपॉन का जो लिक्विड फंड है वो लिक्विड फंड कैटेगरी में ये 2 फंड हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो आदित्य बिड़ला सनलाइफ सेविंग्स फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और कोटक का जो सेविंग्स फंड है वो भी उस कैटेगरी में एक अच्छा फंड है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम लो ड्यूरेशन की बात करें, वहाँ पे ICICI प्रूफ का जो सेविंग्स फंड है वो उस कैटेगरी का अच्छा फंड है, और HDFC का लो ड्यूरेशन फंड भी इस कैटेगरी में एक अच्छा फंड है। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट ये ऐसे फंड है जो इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल, अब 1 से 2 साल किसी का टाइम होराइजन या किसी का गोल दूर है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस आर्बिट्राज फंड्स की भी मानी जाती है, खासतौर पर जो हायर इनकम ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं। आर्बिट्राज फंड्स ऐसे भी किसी लक्ष्य की को पूरा करने के लिए किस तरीके से काम करता है? देखिए बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर निवेश नहीं करते हैं उसके अंदर। समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे इमरजेंसी फंड की बात नहीं करें, क्योंकि इमरजेंसी फंड में हमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी चाहिए। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मान लीजिए हमारा लक्ष्य है वो 1 या 2 साल दूर है, थोड़ा समय है, और अगर हम हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था जितनी भी कैटेगरी है इनमें अगर 3 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो आपकी इनकम में ऐड होगा। तो अगर आप मान लीजिए हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो कम हो जाती है। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिल सके? तो आर्बिट्राज जो फंड्स है वो एक अच्छी कैटेगरी है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये फंड जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और सामने फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली कभी भी ये ओपन पोजीशन कैश मार्केट में नहीं लेते हैं, अगर वो कैश मार्केट में खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में वो बेच रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों मार्केट के अंदर, वहां से आपको रिटर्न मिलता है। ये भी बता दूं उसमें होता क्या है कि इसकी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी की है, यानी अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% टैक्स देना है। उसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो बाकी डेट फंड की हमने बात की, वहां पे हमें 32 या 33% तक टैक्स आता है, तो करीब काफी फर्क पड़ता है हमें। और 1 साल के बाद अगर मैं पैसा निकालता हूँ फिर मुझे 10% टैक्स देना है। कहीं ना कहीं टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हायर इनकम ब्रैकेट में है। लेकिन यहाँ भी बता दूं कि आर्बिट्राज फंड ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा रिटर्न देते हैं। अभी की मैं बात करूं तो वहां भी आर्बिट्राज फंड की रिटर्न थोड़ी कम है, क्योंकि जब मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहेंगी, वॉलिटिलिटी थोड़ी कम है। अब जैसे वॉलिटिलिटी बढ़ी है तो देखेंगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, रिटर्न भी बढ़ती है। लेकिन अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो अब देखेंगे कि शायद उसके रिटर्न उतनी अच्छी ना, बट ये एक बेहतर विकल्प है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो, वो चाहते हैं कि टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। बिल्कुल, और शो के अंत में हेमंत जी, क्योंकि हम आर्बिट्राज फंड हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स की ही बात कर रहे हैं, इसमें से भी जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है उसके कुछ फंड्स आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक डायनेमिकली एलोकेटेड एक पोर्टफोलियो की भी बात करें ड्यूरिंग शॉर्टर टर्म, कुछ फंड्स आप सजेस्ट करें? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका जो होराइजन है बहुत छोटा भी ना हो, बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो, 2-3 साल हो या कभी थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें 2 कैटेगरी के फंड है हाइब्रिड फंड जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक होते हैं इक्विटी सेविंग, जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर जो जनरली 20 या 25% तक रहता है, तो वो एक कैटेगरी अच्छी है। उस कैटेगरी में 2 फंड है जिनको कंसिडर किया जा सकता है, वो है कोटक इक्विटी सेविंग और एक्सिस का इक्विटी सेविंग फंड। और एक ऐसे फंड है जहाँ पे एसेट एलोकेशन को डायनेमिकली जो है मैनेज किया जाता है, यानी मार्केट अगर ऊपर है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम, और मार्केट अगर नीचे है
इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा, और तब अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 3-4 साल तो होना ही चाहिए अगर आप इस कैटेगरी को फंड को देखते हैं, उसमें भी दो फंड्स हैं जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो है उनका, एक है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड और एक आईसीआईसीआई प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड। इन फंड्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, जैसे मैंने कहा इक्विटी एक्सपोजर इक्विटी सेविंग के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो अपने टाइम होराइजन पर थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा एक ऐसा फेज होता है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म भी नहीं है और मीडियम टर्म भी नहीं है, अगर आप उस टाइम होराइजन की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये दो कैटेगरी जो फंड्स हैं ये आपके पोर्टफोलियो को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है वो डायनेमिकली मैनेज हो। एब्सोल्युटली, तो शॉर्टर टर्म के जो लक्ष्य है मतलब बिल्कुल 3 साल तक या 4 साल तक लिक्विड कैटेगरी, आर्बिट्राज, हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इक्विटी सेवर, बहुत सारे हमने आज कैटेगरीज की बात की है और कुछ फंड्स भी सजेस्ट किए हेमंत जी, और इमरजेंसी फंड की अहमियत भी बताई शॉर्टर टर्म में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शो में आज शामिल हुए और इन सब पर चर्चा की हमारे साथ। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए इसी बिजनेस।